गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड आई एम योर साइंस टीचर. सो यस्टरडे वी लर्न अबाउट अवर सराउंडिंग्स. सो वॉट इज सराउंडिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज इट, देन गो, फिर हम आगे पढ़ेंगे. सो वॉट इज सराउंडिंग, वॉट आई वॉज टोल्ड. सो यू सी पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स. मतलब कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पीपल्स, प्लांट्स, एनिमल्स और बसेस, कार्स एंड मैनी मोर थिंग्स. सो ये जो पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, ये तीनों जो हमारे चारों प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे क्या बनाते हैं? सराउंडिंग्स बनाते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? सराउंडिंग्स. ओके, अगर ये चारों, ये तीनों चीज़ें, पीपल, प्लेस एंड थिंग्स, पीपल्स में बताया था जैसे कि फैमिलीज में मेंबर्स होते हैं, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड मैनी मोर पीपल्स यू सी ऑन द रोड. ओके, एंड प्लेसेस में बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जहाँ आप रहते हो वो भी, और जहाँ कहीं घूमने जाते हो वो प्लेसेस. थिंग्स में बहुत सारी थिंग्स की चीज़ें होती हैं, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स भी होते हैं ना. तो ये सारी चीज़ें अगर आपके आसपास दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या बनाते हैं? सराउंडिंग्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग. तो हमने कल ये भी बताया था कि हमें क्लीन कैसे रहना है. तो क्लीननेस क्या होता है? क्लीननेस इज़ द एब्सेंस ऑफ डर्ट, डस्ट, स्टेन्स एंड बैड स्मेल एंड गार्बेज. ये क्या करता है? क्लीन करेंगे तो हमारे आसपास से धूल, मिट्टी, कूड़े और गंदी सी स्मेल, ये सब हट जाएंगे. ओके, सो और क्या होगा? अगर हम डेली अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे तो हमारा घर भी साफ रहेगा, और स्कूल्स जहाँ जाते हैं वो भी साफ रखना चाहिए, और बाहर भी जहाँ रोड को भी. हम ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर घर को साफ रख रहे हैं तो रोड को गंदा कर दीजिए, ऐसा नहीं. हमें चारों तरफ सफाई रखनी चाहिए. इससे क्या होगा? क्लीननेस लीड्स टू गुड हेल्थ. मतलब अगर हम साफ रखेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अब हम अपनी चीज़ों, अपने हर आसपास की चीज़ों को कैसे साफ रख सकते हैं? अब पहले तो क्या है, हम कहाँ रहते हैं? हाउस. तो अपने घर में हम कैसे साफ रख सकते हैं? पहले तो क्या कर सकते हैं हम? लेट्स सी द सम पॉइंट्स. ओके, सो फर्स्ट क्या कर सकते हैं? डर्टी लॉन्ड्री, मतलब जो गंदे कपड़े होते हैं उन्हें साफ रख सकते हैं. अनक्लीन डिशेस, गंदे बर्तन को भी साफ रख सकते हैं, गंदा ऐसे नहीं छोड़ सकते. अनफिनिश्ड फूड, मतलब जो अनफिनिश्ड फूड है उसे भी इधर उधर फेंक ना नहीं चाहिए, उसे या तो किसी जानवर को खिला दे, एनिमल्स को खिला देना चाहिए. फेंकने से क्या होगा? वो भी गंदगी ही फैलाएंगे. एंड अनटाइडी रूम, और अपने रूम को हमेशा क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए. अगर इतनी सारी चीज़ें हम करेंगे तो हम हमारे आसपास से गंदी स्मेल्स नहीं आएंगी. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, कैसे हम अपने घर को साफ रख सकते हैं? व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग वी शुड फोल्ड अवर ब्लैंकेट एंड कीप अवर पिलो प्रॉपरली. मतलब जब भी आप सुबह सोकर उठें तो जहाँ जिस बेड पर आप सोते हैं उसे अच्छे से सही करें, फिर उसके बाद ब्लैंकेट को फोल्ड करें जो भी उड़ते हैं, और पिलो को अच्छे से प्रॉपरली रखना चाहिए. आफ्टर प्लेइंग द टॉयज शुड बी केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेस. कुछ भी चीज़ें आप खेलते हैं या भी कुछ भी चीज़ अगर उठाते हैं कहीं से, तो उसे वहीं पर ही जाकर रखना चाहिए, इधर उधर
नहीं रखना चाहिए। वो इससे क्या होगा, दूसरे भी गिर सकते हैं या तो खुद आप भी गिर सकते हैं। आफ्टर स्टडिंग बुक्स शुड बी केप्ट अवे इन इट्स करेक्ट प्लेसेस। सो आप लोग बच्चे हो, आप लोग पढ़ते भी हो, तो जब पढ़ने के बाद बुक्स को जहाँ से भी उठाया है उसे प्रॉपर उसी जगह पर रखना चाहिए। इधर उधर फेंकोगे तो आपकी बुक्स भी बेकार होती चली जाएगी ना, फटने लगती है। अगर हम उसे सही से रखेंगे तो बुक्स हमेशा अच्छी रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट इज क्लीन। और क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया हाउस का। इन द सेम वे किचन को भी ऐसे ही साफ रख सकते हैं। यस, और अपने सराउंडिंग्स को कैसे साफ रख सकते हैं, क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग्स। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने सराउंडिंग्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, मतलब बाहर ऐसी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। घर साफ रहेगा, अगर बाहर गंदगी रहेगी तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। वी शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। और क्या करना चाहिए, हमें गार्बेज को, कूड़े को कहाँ पे डालना है, गार्बेज मतलब कूड़ा, इन द डस्टबिन। डस्टबिन जो कि जहाँ पे कूड़े को डालते हैं उसको क्या कहते हैं, डस्टबिन। वी शुड नेवर थ्रो लिटर हेयर एंड देयर। सो व्हाट इज लिटर, लिटर को भी कूड़ा ही कहते हैं। तो कूड़े को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, कहाँ पे डालना चाहिए, डस्टबिन में। ओके, नेक्स्ट, डर्टी सराउंडिंग्स कैन मेक अस इल। अगर हमारे आसपास की जगह गंदगी होगी तो क्या होगा, हम बीमार, इल मतलब बीमार पड़ जाएंगे। वी शुड ग्रो ट्रीज इन अवर सराउंडिंग्स। और क्या करना चाहिए, हमें आसपास क्या लगाना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए जहाँ पर लग सकता है। तो इससे क्या होगा, पेड़ भी हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ट्रीज कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन। ट्रीज क्या करती हैं, हमारे सराउंडिंग्स को साफ रखती हैं और ग्रीन रखती हैं। दे ऑल्सो मेक अवर सराउंडिंग्स लुक ब्यूटिफुल। और ये हमारे सराउंडिंग्स को अच्छा सुंदर दिखाती हैं। देखा है ना, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ रहते हैं वो बहुत ही अच्छा दिखता है, हरा हरा, और धूप भी कम लगती है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, इससे क्या होगा, हमें गर्मी भी कम लगेगी। क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग कीपर्स हेल्दी। और अगर हमारी सराउंडिंग क्लीन रहेगी, ग्रीन रहेगी, ग्रीन मतलब हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ग्रीन रहेगी, तो हम हमेशा क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अंडरस्टैंड क्ला? ओके, थैंक यू।